हे रियलमी के फैंस, कैसे हो आप लोग। एक और छोटे से क्विक वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, ये छोटा सा या यूज़फुल क्विक वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका रियलमी का जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो। मैं खुद रियलमी फ़ोन्स यूज़ करता हूँ और मुझे जो कमी लगती है मैं उसे कैसे इम्प्रूव करूँ वही चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। गाइज, अगर आप रियलमी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लेना और मुझे अपना सजेशंस भी ज़रूर देना। आपके जो आइडियाज़ है वो मेरे साथ प्लीज शेयर करना ताकि मैं और अच्छे कंटेंट्स बना सकूं रियलमी से रिलेटेड। हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है इमरान एंड यू आर वाचिंग आईफोन अनबॉक्स। गाइज, मैंने बहुत सारे यूजर्स को देखा है, कमेंट्स पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो सिस्टम एप्स लाइक डायलर, मैसेजिंग ऐप, स्टॉक लॉन्चर जो फोन के साथ आता है, इन सारे ऐप्स को वो चेंज नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी ऐप्स, कस्टम लॉन्चर वो ट्राई नहीं करना चाहते। मी आई कलर ओएस काफ़ी पॉपुलर है बट दोनों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, ऐप ड्रॉन नहीं मिलता। लेकिन थैंक्स टू पोको F1 अब आपको पोको लॉन्चर के साथ ऐप ड्रॉन मिलता है जिसे आप किसी भी मी आई फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स टू रियल मी टीम, बहुत जल्द हमें कलर ओएस 6 के साथ भी ऐप ड्रॉन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइज, वेट कब तक करना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एग्जैक्टली आपके फ़ोन में कलर ओएस 6 कब आएगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे। गाइस, ये है मेरा रियल मी लॉन्चर और आप मेरे फ़ोन में देख सकते हो ऐप ड्रॉर। पहले मेरे ऐप्स जो है आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, आवारा बनकर फिरते थे, होम स्क्रीन पे दंगे होते थे, मुझे बहुत मुश्किल से इनको संभालना पड़ता था, अलग अलग फोल्डर्स में इसे डालना पड़ता था। लेकिन गाइस, अब मेरे पास है ऐप ड्रॉर जिसके लिए मैं बहुत परेशान था। मैं थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ कर सकता था लेकिन मैं चाहता था उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जो सच में थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ नहीं करना चाहते। गाइस, मैंने सारे ऐप्स को एक फोल्डर में डाल दिया है और कुछ मेरे फेवरेट ऐप्स को अलग अलग फोल्डर में रख दिया है। अब मेरा होम स्क्रीन भी काफ़ी क्लीन लग रहा है, मेरा ऐप ड्रॉर भी काफ़ी क्लीन, क्विक एंड स्मूथ है और मैं फटाफट सर्च करके अपने ऐप्स तक पहुँच जाता हूँ। गाइज, आपको मेरे फ़ॉन्ट भी चेंज लग रहे होंगे तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसके लिए आपको रीजन वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा। ये एक सिंपल सा ऐप है जिसका फ्री और पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है। मैं यहाँ पे फ्री ट्राई कर रहा हूँ। फ्री में आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक बहुत ही क्लीन एंड स्मूथ ऐप ड्रॉर मिलेगा और ये काफ़ी स्टेबल भी है। एंड गाइस, पेड वर्जन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, लेबल चेंज कर सकते हो, आइकॉन्स, ड्रॉअर आइकॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, ऐप्स हाइड कर सकते हो वगैरह वगैरह। गाइस, ऐप का नाम है पिक्स ड्रॉअर, यानी आपको पिक्सल जैसा ड्रॉअर का फील मिलेगा, ऐप ड्रॉअर का फील मिलेगा, वैसे ही बैकग्राउंड है। तो ये बिल्कुल एक नया ऐप है, इसीलिए मैंने इसे 4-5 दिन ट्राई किया और मुझे जब ये बहुत ही स्टेबल एंड स्मूथ लगा तभी मैंने इसका रिव्यू किया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद जैसे ही आप उसे ओपन करोगे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप करना। टैप करके एक आइकॉन वाइट कलर का मिल जाएगा आपको आपके होम स्क्रीन पे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डॉक पे रख देना। तो गाइज, आपके डॉक पे है 4 आइकॉन्स, मेरे हैं 5। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ आपको दिखेगा होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इस पर टैप कीजिए, होम स्क्रीन लेआउट पे जाइए और 5x6 सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको डॉक पे 5 आइकॉन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, 4 आपका पहले से है। आप ये आइकॉन जो अभी आपने क्रिएट किया है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दीजिए, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद इंजॉय कीजिए ऐप ड्रॉर अपने रियलमी फ़ोन्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द आईफोन अनबॉक्स कम्युनिटी को 100K क्रॉस करने का मौका दीजिए। एंड गाइज, देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।